कहाँ गए? ठीक है, माता जानकी की आज्ञा के अनुसार पंचवटी नामक स्थान से चलते चलते बहुत दूरी पर आ गया। क्या नहीं, सामने दृष्टि डालकर देख रहा हूं तो घना घोर जंगल दिखाई दे रहा है, अनेक प्रकार के रास्ता दिखाई दे रहे हैं। मैंने माता जानकी को बहुत समझाया परंतु माता ने हमारी एक बात नहीं मानी। भैया के द्वारा बताया गया था, सीता कैर करो रखवारी और बुद्धि विवेक बल समय विचार। तुम्हें समाज का ध्यान रखना है, तुम्हें बुद्धि से काम लेना है, तुम्हें विवेक से काम लेना है। लेकिन आज मैंने अपने भाई की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। माता से मैंने कहा, हे माता, मैं आपकी रक्षा हेतु बस यहाँ उपस्थित हूँ और आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। लेकिन माता ने हमारी एक बात नहीं मानी, तो क्यों नहीं भैया को आवाज लगाना चाहिए, भैया 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 रखवाली के लिए छोड़ा था। आते समय मैंने लक्ष्मण को समझाया था, सीता केर करो रखवाली, बुद्धि विवेक बल समय विचार। बुद्धि से विवेक से बल और समय से समझौता करते हुए तुम्हें सीता की रखवाली करना है। फिर भला लक्ष्मण हमारी ओर क्यों आ रहा है? मुझे आवाज की ओर चलना चाहिए, देखना चाहिए और क्या वास्तव में हमारा लक्ष्मण है। देखता हूं, अनुज कुशल
ऐसा भी नहीं होना चाहिए भाई। ऐसा लिखा है तुलसी रामायण जी में कि दान करने से दान नहीं घटता है। 5 रुपया आप करोगे आपको 5,000 मिलेंगे। भगवान के चरणों में दान करते तो देखो जय हो जय। Oh,
Charlie.
सिंह घोष आपका भी जवाब नहीं है और भगवान के चरणों में करुणामय विलाप पर दे रहे हैं। देखिए जानने वाले जानते हैं तो बात क्या बात है,